इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप तुमको सपोजिटली, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, और तुम बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट करते हो या किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो, वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। इज इट अ वैलिड ऑफर? लॉजिक समझा। तुमने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को कि प्लीज कम फॉर माय बर्थडे, वो बोलता है यस आई विल कम फॉर योर बर्थडे। इज इट अ वैलिड ऑफर? क्या लगता है तुमको? द आंसर इज नो। क्यों? इट्स अ सोशल इनविटेशन। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा सोशल इनविटेशन, वो उसने मना भी कर दिया तो तुम क्या कर पाओगे? सो देर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मीनिंग, यदि मैंने गुड सप्लाई कर दिया है या ऑफर किया सप्लाई करने का, इफ इट डज नॉट पे आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सोशल इनविटेशन कैसे लागू हो सकता है? आज से 20 साल पहले एक हमारा ग्रुप था, उसमें से एक जन ने इनवाइट किया था हमको कि आओ डिनर के लिए आओ, और हम लोग दो चार फ्रेंड्स मस्त गए। सोचा कि चलो आज मस्त डिनर खाएंगे। गए तो पता चला वो था ही नहीं, कहीं गया था। उसके घर वाले भी थोड़ा रूड टाइप थे। हमको समझा नहीं हमसे क्या गलती हो गई, हम तो मस्त बुके लेकर गए थे। और हुआ ही नहीं मतलब डिनर। फिर हम लोग को मजबूरी में बाहर खाना पड़ा। एक तो लिमिटेड पैसे, खूब गालियां दिया उसको, मोबाइल हुआ नहीं करता था उस समय। बाद में मिला है तो ऐसे घोड़े लगाया उसको। फिर उसने बताया वो दिन उसका झगड़ा हुआ था घर वालों से, और उसके घर वालों ने खाना बनाने से मना कर दिया था, पर हमारा बैंड बज गया था। तो सवाल ही नहीं उठता कोर्ट का। इट वाज अ सोशल इनविटेशन। भले ही वो उसके साइड से परफॉर्म नहीं हुआ था, बट इट वाज अ सोशल इनविटेशन, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। अब ये पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली ऑफर क्यों किया जाता है? उसका बेसिक इंटेंशन टू गेट द अदर पार्टी टू एक्सेप्ट द ऑफर। तुम्हारा ऑफर यह है कि तुम सामने वाले पार्टी को बोलना चाहते हो कि प्लीज एक्सेप्ट माय ऑफर, ठीक है ना? नाउ यदि मैं बोलू कि भाई एग्जाम्पल, 100 kgs ऑफ ऑयल देना, पहली बात तो ये ऑफर एब्सोल्यूट वेग है। क्यों? ऑयल कौन सा है?
बादाम तेल है, नारियल तेल है, शेंगदाना तेल है, कैस्टर तेल है, ऑलिव का तेल है। तो ये ऑफर एक अनक्लियर है, तो एक्सेप्टेंस कैसे क्लियर हो सकता है? ये ऑफर वैलिड एक ही जगह पे होगा यदि वो तेल का दुकान सिंगल टाइप का तेल बेचता है, सिर्फ सिर्फ सनड्रॉप का एजेंसी है। तो जब मैं उसको बोलूंगा 100 kg ऑफ ऑयल देना, तो वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का तेल है। तुम किराना शॉप में जाकर बोलते हो 1 किलो तेल देना, तो ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा क्योंकि किराना शॉप शेंगदाना से लेकर बादाम, नारियल पानी से नारियल का तेल सब रखता है, तो वो ऑफर फिर सर्टेन ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट होगा? तो ऑफर ही तुम्हारा गलत है। लेट अस गो टू थर्ड। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तीसरे लेवल पे ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता और इम्प्लाइड भी हो सकता है। लेट अस टेक थ्री एग्जांपल्स। एक्सप्रेस मतलब ओरल और रिटर्न। मैं तुमको बोलता हूं क्या तुम बुक खरीदोगे, दैट्स एन ओरल ऑफर, ठीक है ना? एक्सप्रेस में ओरल और रिटर्न होता है। रिटर्न दूसरा एग्जांपल, मैंने सामने वाले को बोला प्लीज सप्लाई 100 kg ऑफ या 100 सिंगल लाइन रजिस्टर्स ऑफ 200 pages इन राइटिंग हो गया। इम्प्लाइड ऑफर बाय बिहेवियर होता है। यदि मैं एक रिक्शा आई, रिक्शा में बैठ गया, तो बिना उसने ऑफर बोले, बिना मैंने एक्सेप्टेंस बोले, ठीक है ना, ये एक प्रकार का इम्प्लाइड ऑफर हो गया, है ना? या एक कूली आ रहा है, उसने उठा लिया सामान लेके जाने का, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। चौथा, ऑफर डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इसके मैं कितने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं सबसे पहले वो एग्जाम्पल दूंगा, एक कंपनी प्रोस्पेक्टस छापती है और पब्लिक को देती है कि शेयर्स खरीदो, इज इट एन ऑफर और एन इनविटेशन टू ऑफर? वो ऑफर हो ही नहीं सकता, वो तो एक कागज छाप के तुमको दिया है। तुम जब वो प्रोस्पेक्टस भर के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो तुम ऑफर देते हो कंपनी को कि प्लीज हमको शेयर्स दो। कंपनी शेयर्स देगा तो कंपनी का वो एक्सेप्टेंस होगा। दूसरा, कॉलेज प्रोस्पेक्टस छापता है और तुमको देता है, तो एक समय, अब आजकल तो ऑनलाइन चलता है, प्रोस्पेक्टस छापने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले प्रोस्पेक्टस छापता था कॉलेज, BYK के बारे में दिया रहता था। सो इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। एक दुकान के खिड़की में, कांच में ऐसे परफ्यूम के फोटोग्राफ्स और परफ्यूम डेमो के तौर पर लगाए गए हैं। इज इट एन ऑफर? नो, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू यू टू मेक एन ऑफर। तुम जब जाकर बोलते हो कि ये दोगे, तो वो एक्सेप्ट करता है, तो वो ऑफर तुम दोगे दुकानदार को कि मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना? तुम दुकान में जाते हो, तुमको एक प्राइस लिस्ट देता है, वो तो एक इनविटेशन टू ऑफर है। तुम जब बोलते हो हाँ इसमें से ये प्राइस ठीक लग रहा है, क्या बेचोगे, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। आया समझ में? अगेन, ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब इट कैन बी फॉर दी ओपन पब्लिक, स्पेसिफिक मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? सो ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक, बोथ वेज पॉसिबल है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें एक और पॉइंट है,
डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, वो भी देखते हैं क्या है। तुम जब ऑफर दे रहे हो तो तुमको सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत फेमस केस है, वो देखते हैं। मिस्टर ए का एक भांजा है, वो घर से भाग जाता है। ऐसे सोचो, मिस्टर ए का भांजा एक्स है, वो भाग जाता है। मिस्टर ए का एक नौकर है, मिस्टर वाई। ऐसे सोचो, मिस्टर ए ठीक है ना, और उसका नेव्यू जो है एक्स रन्स अवे, ये भाग जाता है। ए का एक नौकर है वाई, सर्वेंट है। वो सर्वेंट को बोलता है, ठीक है, कि जा ढूंढने, सर्वेंट को ढूंढने भेजता है। और वाई को आज तारीख क्या है, सपोजिटली आज 15 है अगस्त, 16 को वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करता है। और वापस लेकर आता है। फिर दो चार दिन बाद जो नौकर है वो एडवर्टीजमेंट देखता है, वो बोलता है अरे रिवॉर्ड था। वो जाकर ए से रिवॉर्ड मांगता है कि तुमने एडवर्टीजमेंट किया था, अब मुझे पैसा दो। ए मना कर देता है। नौकर चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या जवाब देगा, क्या ए के सपोर्ट में फैसला देगा क्या नौकर के सपोर्ट में फैसला देगा, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? बोलो फटाफट बोलो, क्या लगता है तुमको, ए के सपोर्ट में फैसला आएगा कि नौकर के सपोर्ट में फैसला आएगा? आंसर दो, क्या नहीं आ रहा है? कोर्ट ऑफ लॉ ए के सपोर्ट में फैसला देता है, क्योंकि पहली बात तो ओपन ऑफर के लिए एडवर्टाइजमेंट देखना तो चाहिए। जो एक्स उसके भांजा वापस तो आ गया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 2 दिन बाद देखा उसने, तो ऑफर उसको कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही उठता ही नहीं है। एक सेकंड ना, एक आखिरी पॉइंट में लेता हूं। आखिरी पॉइंट, अच्छा, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ठीक है, थोड़ा कंडीशन भी डाल सकते हो। ऑफर कैन बी कंडीशनल। अब ये क्या है, तुमने कंडीशन ऐसे डाला कि प्लॉट ऑफ लैंड के लिए तुमको 10 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा और स्टार्टिंग में, और 2 महीने बाद 20 लाख देना पड़ेगा, क्या है ऑफर वैलिड है? द आंसर इज यस। तुमने कंडीशन डाले हैं कि 10 लाख डिपॉजिट अप फ्रंट और 20 लाख 2 महीने बाद, तो ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है ना। और आखिर का जो पॉइंट है कि नॉन कंप्लायंस, उसमें ऐसा टर्म नहीं हो सकता, शुड नॉट कंटेन, थोड़ा अजीब टेढ़े एंगल से मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा अजीब आएगा, शुड नॉट कंटेन अ टर्म विच सेज नॉन कंप्लायंस
नॉन कंप्लायंस क्या है ये, नॉन कंप्लायंस विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, नॉन कंप्लायंस विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं तुमको एक बहुत बढ़िया केस बताता हूँ। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, जब हम हमारा एक ग्रुप था, हम लोग 5 लोग का एक ग्रुप था। एक बड़ा बदमाश था उसमें से। उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन भी बहुत कम लोग के पास हुआ करता था। तो वैलेंटाइन दिन के दिन एक हमारा एक दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, वो क्या करता था, एक वैलेंटाइन कार्ड, उस समय वैलेंटाइन कार्ड बहुत चलते थे, आज तो बहुत कम हो गए हैं वैलेंटाइन कार्ड। आजकल लड़कियों को डायमंड चाहिए और पार्टी चाहिए, ठीक है ना, या आजकल थोड़ा अलग पैमाने पे होता है। तो ये भाई जो था हमारा, हाँ भाई मतलब हमारे ग्रुप में जो था, पहले तो कार्ड बनाता था पेंसिल से, पेन से कभी लिखता नहीं था, और यही कार्ड भाई ने 3 दिन 3 साल वापरा था। तो क्या होता था, वैलेंटाइन डे में बीवे के कॉलेज के अंदर ये जाकर कोई भी रैंडम लड़की को कार्ड देता था, और उसमें लिखा हुआ रहता था कि जो मुझे याद आ रहा है जितना, वो उससे फ्रेंडशिप मांगता था। और उस समय वो लिखता था कि इफ यू डोंट स्पीक एनीथिंग, तूने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ समझूंगा, ठीक है, या तूने कार्ड फाड़ दिया तो मैं एज्यूम करूंगा तूने हाँ बोला है। अब लड़की को दुविधा में डाल दिया, कुछ बोली नहीं तो भी हाँ, और का लिख एकदम क्लियर कट मराठी में लिखता था कि इफ यू डोंट रिप्लाई और डोंट एक्सेप्ट, आई विल ट्रीट इट एज अ यस। और वो था भी भाई एकदम दुबला पतला, बोलते ना काड़ी चैंपियन, काला दुबला पतला। और हर लड़की एक ही चीज करती थी, फाड़ती नहीं थी, कार्ड फेंकती थी उसके मुंह पे। और वो उठाता था और फिर दूसरी लड़की के पास जाता था, और हर लड़की से रिजेक्शन तो तय था। और भाई ने यही कार्ड 3 साल वापरा और तीनों साल रिजेक्ट हुआ। एक सेकंड, मुझे आंसर करना पड़ेगा ये। हेलो, हाँ मैं तुझे फोन करता हूँ, ठीक है, ओके बेटा, हाँ ओके। तो ये हमारा दोस्त था, तो सीधी बात है, तुम ऐसा बोल नहीं सकते कि जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ मानूंगा, या तुमने एक को एक लेटर ईमेल किया कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, 3 दिन के अंदर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा हाँ है। तुम ऐसा ऑफर नहीं डाल सकते कि नॉन कंप्लायंस, इफ यू डोंट कंप्लाई इट मींस यस, नॉट पॉसिबल, ऐसा ऑफर नहीं हो सकता। समझ में आया? सो ये तुम्हारे पॉइंट्स थे ऑफर के। सो ऑफर और इनविटेशन, ठीक है ना, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट देन इनविटेशन टू ऑफर, दोनों अलग है। जो प्रोस्पेक्टस छापा जाता है वो इनविटेशन टू ऑफर है, ये भी एक पॉइंट, हाँ वो तो हो गया है। सो आई थिंक आई कैन स्टॉप शेयर, रिटर्न टू मीटिंग क्या हो गया। क्या हो गया, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर, पता नहीं क्या हो गया इधर,
मुझे भी घूम गया लगता है। कोई बात नहीं, वापस से एक बार ट्राई करता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम आया है, मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। देखूँ क्या हो गया, मुझे क्लोज करना पड़ेगा ये। इसका फ्रंट पेज ही गायब हो गया है। ठीक है, अब ये क्लोज कैसे होगा मुझे खुद को ही पता नहीं है। और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ओह नो, आवाज आ रहा है अभी भी? हाँ सर, अब इसको एग्जिट कैसे करूँ? ये चाइना वाले, एक मिनट देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो, क्योंकि ये जूम मेरा स्क्रीन सामने आ रहा है लेकिन जूम नहीं आ रहा है भाई। कुछ करने का ट्राई करता हूँ। एग्जिट, नहीं स्टॉप भी नहीं हो रहा है। स्टार्ट जूम, क्लोज विंडो। आवाज आ रहा है अभी? यस मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग एग्जिट कर लो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। आज का इतना ही रखते हैं लेक्चर, ठीक है? ठीक है सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।